साथ में हम लोग चाय पीते हैं, चाय की दुकान पे काम करता है एक लड़का। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था तो उसने पूछा कि भैया ये का है सर्जिकल स्ट्राइक। तो हम बोले कि इसको समझाएं क्या, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का, इसको समझाएं कैसे। हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो, बोला हाँ, तो पीछे से जाकर के जो थप्पा बोल देते हैं ना, वही सर्जिकल स्ट्राइक है। ये थप्पा आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। बाबा जी ने कहा तो हम सब कुछ के खिलाफ थप्पा बोलते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो विषय पे हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया है कि क्या सभी समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या वो जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है, मैं समझता हूं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि गरीबी से आतंकवाद है, आतंकवाद से गरीबी नहीं है। बेरोजगारी से आतंकवाद है, आतंकवाद से बेरोजगारी नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए गरीबी के खिलाफ भी और बेरोजगारी के खिलाफ भी। अगर इसके खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं तो हम ठीक समझते हैं कि हम जो भी हैं, हमारा स्ट्राइकर इधर उधर चला जाएगा। और ये स्ट्राइकर इधर उधर इसलिए चला जाता है कि हम ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की मैं इंटरनेशनल भिखारी हूं, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग से सोच के करेंगे। कुल कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आधा सच जो ये लोग यहां बता करके गए हैं उस पर अगर हम अपने दिमाग से सोचें तो क्या पाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया आतंकवाद के खिलाफ, नतीजा क्या है? उसके बाद 42 जवान मारे जा चुके हैं और अभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकी है। हमारे पात्रा साहब आए और उन्होंने कहा कि ट्यूमर निकालेंगे, ट्यूमर है, और ट्यूमर निकालने के लिए गए, उन्होंने डिमोनिटाइजेशन किया, 100 से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए। बताइए आपकी ये जो जान गई है, ये देश के लिए ट्यूमर है, ये भ्रष्टाचार के लिए ट्यूमर थे, ये भ्रष्टाचारी थे। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है? तब कहते हैं कि आप गरीबी की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं, मोदी जी गरीबी ले आए हैं। नहीं तो मोदी जी तो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मोदी जी अगर गरीबी नहीं लाए हैं तो मोदी जी जो है वो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मतलब कहीं जो है हम अपने आप को बेचेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, और जहां कहीं जहां हमारा दाल नहीं गलेगा वहां हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे। नेशनलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रियटिज्म से कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग पेट्रियोटिक लोग हैं। ये बंगाल की धरती है, यहां से अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया गया है। लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, और इनको पता है कि आरएसएस का कोई भूमिका नहीं रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, इनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि नेशन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेरोजगारी की बात करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? क्या नेशन के लिए पॉवर्टी की बात करना, उस पर काम करना, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? और हमारे पास आंकड़े क्या है? आतंकवाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नहीं बंद हुआ, आपने किया नहीं किया, कितना सही किया कितना गलत किया, उसमें हम नहीं जाना चाहते। रिजल्ट क्या है? उसके बाद आपने डिमोनिटाइजेशन किया, उसका रिजल्ट क्या है? लोग तो इस देश के इतने खुले हृदय के हैं कि आपने कितना 500 और 1000 का नोट छापा आपको नहीं पता है, जितना छापा उससे ज्यादा लोगों ने बैंक में जमा कर दिया। तो ब्लैक मनी कहां गया, ब्लैक मनी कहां गया? पहले आपने कहा कि हमने ब्लैक मनी के खिलाफ ये किया है, अब आप कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम करो। पहले ब्लैक मनी, अब कहते हैं पेटीएम करो। अगर ब्लैक मनी के लिए ब्लैक मनी कहां गया, जितना पैसा छापा उतना पैसा वापस जमा हो गया, तो आप कहते हैं कि 22% रेवेन्यू बढ़ गया है, 42% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। आप आधा आंकड़ा देते हैं, 22% रेवेन्यू बढ़ा है, 42% फार्मर सुसाइड का रेट बढ़ गया है, ये आंकड़ा आपके पास नहीं है। आप कहते हैं डिमोनिटाइजेशन करने के बाद रोजगार बढ़ेगी, आपका आंकड़ा कहता है कि 20 लाख लोगों की रोजगार चली गई है, और एक साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा